बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। और मेरा नाम आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे हो आपको अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब जो ये व्लॉग्स हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। अल्लाह के फजल करम शुक्र साहब नए व्लॉग करते हैं स्टार्टिंग। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शुक्रिया। और कल शाम को रबीउल अव्वल का चांद दिखाई दे दिया था, तो फिर 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था, मतलब बर्थ हुआ था। तो अपने जुलूस वगैरह और काफ़ी अच्छे फंक्शन इंशाल्लाह करेंगे। और बाकी अभी अपने आए थे हमारी छत के ऊपर अपने फ्लैग लगाने के लिए, और अभी बस अपने सीढ़ी लगाते हैं और उसके ऊपर चलते हैं और ऊपर जाके और फिर अपने ये जब फ्लैग है ऊपर लगाएंगे। और आप माशाल्लाह हमारा फ्लैग देख रहे हो, काफ़ी खूबसूरत सा, काफ़ी प्यारा सा, और जब ये हवा के अंदर झूलेगा तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और आपको वो भी अपने दिखाएंगे इंशाल्लाह। और अभी एक बार अपनी पेड़ी वगैरह लगाते हैं और ऊपर चलते हैं। तेरा तब हाल हो ऐसा मेरा, जुबान हो मेरी नाम तेरा। और अभी अपने अपनी छत के ऊपर आ चुके हैं और अपना फ्लैग हो रहा, और यहाँ से अपने उधर जाके और वहाँ से फ्लैग उठाते हैं पहले। फरिश्ता जो आए तेरा तब हाल हो ऐसा मेरा, जुबान हो मेरी नाम तेरा, पेशानी मेरी सजदा तेरा। मेरे मौला मेरी ये दुआ, माफ कर दे मेरी हर खता, मैं तो चाहूँ। माशाल्लाह आप हमारा फ्लैग देख रहे हो और काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्यारा लग रहा है हवा में ये झूलता हुआ। और अभी अपने जा रहे हैं आज कहाँ पे वो आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर मालूम हो जाएगा। और अभी वैसे अपने नीचे चलते हैं और अभी जो टाइम है वो दोपहर के 1 बज चुके हैं। अभी आप मौसम ही देख सकते हो, आसमान में बादल है और बारिश हमारी नहीं आई। बारिश मतलब साइड के एरिया के अंदर बारिश है लेकिन हमारे गांव के अंदर बारिश अभी तक नहीं आई। और अभी बारिश ना आए तो फायदा ही है क्योंकि अभी फसल तैयार हो चुकी है, तो बारिश इसको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और अभी अपने चलते हैं नीचे। मैं देखो यहाँ पे 15-20 मिनट आया था लेकिन फिर भी मेरे को पसीना काफ़ी ज़्यादा, गेट वगैरह करके बंद और चलते नीचे। और अभी अपने तैयार हो चुके हैं और गर्मी के लिए मैंने साफा ले लिया साथ में और अपनों ने घड़ी हाथ में पहन लिए। और बाकी अभी अपने चलते हैं बाहर और रवाना होते हैं घर से, और किधर जा रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी सामने बाहर बस रुकी हुई है और अभी अपने बस जा रहे हैं बस पे, और किधर जा रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है। और अभी बस अपने को सीट नहीं मिल रही तो देखते हैं कितना अपने को कहाँ पे सीट मिलेगी और कहाँ पे नहीं। बाकी पहले प्लान था मेरा जीप पे जाने का और फिर मुना भाई और कहने लगे नहीं अपने बस पे चलेंगे, बस पे चलेंगे, तो फिर अभी हम बस पे जा रहे हैं इंशाल्लाह। ऐसी जगह जहाँ हो नबी तेरा, ऐसी जगह जहाँ हो नबी तेरा। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि आज मैं आया था बठिंडा शरीफ के अंदर और यहाँ पे अपने बाबा हाजी रतन की दरगाह शरीफ है और यहाँ पे अपने ज़ियारत की। और अभी अपने यहाँ पे शाम को अमराज शरीफ का प्रोग्राम होगा, वो भी अपने इंशाल्लाह वहाँ पे भी अपने जाएंगे। और बाकी अभी अपने बठिंडा भी घूमने जाएंगे और अभी सबसे पहले अपने यहाँ पर दरगाह पे आए और ज़ियारत की और उसके बाद अभी अपने चलते हैं बाहर। मैं तो चाहूँ बस तेरी रजा, मैं तो। और अभी जैसे अपने बाहर जा रहे थे तो भाई और दावत इस्लामी वाले ये बुक्स बांट रहे थे, तकसीम कर रहे थे, जैसे आप देख रहे हो काफ़ी सारी बुक्स हैं इनके पास और ये सभी भाइयों को दे रहे हैं जो भी यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। और भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने को दी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया जी। और भाई और गाड़ी के अंदर आए थे जो आप सामने देख रहे हो, तो अभी अपने उनसे चाबी लाए हैं और ये जो बुक्स है ये अपने रख देते हैं इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि फिर अपने इसको कहाँ पे साथ में उठाई फिरेंगे, घर पे जाके अपने देखेंगे पूरी किताबें वगैरह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये अपने पीछे की तरफ रख देते हैं और अभी अपने चलते हैं वापस। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि काफ़ी सारी यहाँ पे शॉप्स लगी हुई है और ये शाम को यहाँ पे पूरी रौनक हो जाएगी और सामने मुल्ला शरीफ का प्रोग्राम होगा, वो अपने वहीं पे जा रहे हैं और वो आपको वो जगह मैं दिखाता हूँ अभी जाके। और अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे सामने प्रोग्राम होगा, यहाँ पे मस्जिद बनी है और अभी अपनी मस्जिद के अंदर जाके नमाज अदा करते हैं सबसे पहले। और अभी अपनों ने नमाज यहाँ पे अदा कर ली है 2 रकात फर्ज असर के 1 असर में, और बाकी अभी अपने जा रहे हैं बाहर। बस तेरी रजा, मैं तो चाहूँ बस तेरी रजा।
आए जो दिन हशर का साया। और अभी अपने आए हैं द बठिंडा लेक व्यू पार्क के अंदर और यहाँ पे चलते हैं अंदर और बाकी यहाँ पे भाई और भी होंगे सबके साथ मुलाकात करते हैं और अभी अंदर जा रहे हैं अपने। और अभी यहाँ से तो पूरा व्यू ही ख़त्म कर रखे हैं इन्होंने, ये जो घास फूस है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। बाकी अभी आप ये यहाँ का देख सकते हो कुछ सीन इस टाइप का और काफ़ी शान सा मॉल है इस साइड, उस साइड नहीं उस साइड काफ़ी भीड़ है। और अभी अपनों ने कोल्ड ड्रिंक ली है और अभी यहाँ पे ऊपर भाई और फोटो शूट कर रहे थे तो अपनों ने भी एक आधी फोटो इनसे क्लिक करवाई और बाकी अभी अपने जा रहे हैं भाई के पास। और अभी अपनों ने झील का मॉल देखा और अभी अपने जा रहे हैं आगे मित्तल मॉल के अंदर किधर और देखते हैं काम भाई और जा रहे हैं वहीं पे अपने चलेंगे। और यहाँ पे अपनों ने काफ़ी सारी फोटो शूट भी की और वो मैं धीरे धीरे इंस्टा पे अपलोड कर दूंगा और वो भी आप देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है और वहाँ से आप मेरी फोटो वगैरह देख सकते हो। और अभी अपने मित्तल मॉल के बाहर आए थे और यहाँ पे एक शॉप थी भाई की तो वहाँ से अभी अपने खा रहे हैं एग वेज रोल, पता नहीं कैसा होता है मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, अभी फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे अपने। और अभी बस ऑर्डर दियो और भाई थोड़ी देर के अंदर अपने को बुलाएंगे कि आपका तैयार है तो फिर अपने इंशाल्लाह खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा इसका टेस्ट है। और अभी का सीन कुछ ऐसा है और अभी अपने मॉल के अंदर गए थे और वहाँ से अपने घूम के और फिर वापस आ गए और अभी अपने डिनर करने के लिए कोई होटल ढूंढ रहे हैं। अभी देखते हैं पास में कोई होटल अपने को मिलता है तो अपने फिर वहाँ पे डिनर करेंगे। और अभी टाइम 8:40 का हो चुका है। बाकी ये आप बठिंडे की रोडें देख रहे हो और अपने पैदल यहाँ से जा रहे हैं, जैसी भी होटल आएगा वैसे हम डिनर करेंगे उसके बाद फिर अपने दरगाह पर चलेंगे इंशाल्लाह। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी अपने खाना खाने के लिए जा रहे थे लेकिन वहाँ पे अपने को होटल नहीं मिला तो इसीलिए फिर से अपने दरगाह की तरफ आ गए थे। और अभी ईशा का टाइम हो चुका है तो सबसे पहले मैं नमाज़ अदा करने जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर और उसके बाद फिर अपने डिनर करेंगे इंशाल्लाह। और अभी अपने नमाज़ अदा करते हैं और उसके बाद आपको इंशाल्लाह मिलते हैं। मेरी ये दुआ माफ कर दे मेरी हर खता। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपनों ने नमाज भी अदा कर ली है और अभी अपनों ने फ़ोन भी चार्ज कर लिया। जब मैं नमाज अदा कर रहा था तो फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था तो अभी अपने फिर से जा रहे हैं होटल ढूंढने की तरफ। और अभी यहाँ पे पास में एक होटल है वहाँ पर अपने जाके डिनर करेंगे और उसके बाद फिर आगे मिलाद शरीफ का प्रोग्राम चल रहा है इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएंगे, देखते हैं बाकी क्या सीन रहता है। बाकी सबसे पहले अपने डिनर करते हैं। और अभी बिस्मिल की जैसा है कि अभी फाइनली अपने को एक रेस्टोरेंट मिल चुका है और अभी अपने प्लेट्स आ चुकी है, बस अभी बिस्मिल करेंगे और खाना वगैरह खाएंगे। और यहाँ पे एक टीवी भी चल रहा है और मूवी चल रही है उसके अंदर ताकि सारे भाई। और अभी डिनर अपना फ्रेश हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और डिनर अपनी मूवी चल रही है उसके अंदर शो चल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा लिखा हुआ है आई लव बठिंडा। और अभी अपना अल्हम्दुलिल्लाह डिनर हो चुका है और अभी अपने चलते हैं बाहर। और आज के अपने इनके लास्ट ग्राइक थे, अभी ये मंगल ग्रह अपना होटल और बाकी अपनी गाड़ी पे अपने आए थे और अभी अपने चलते हैं वापस दरगाह शरीफ की तरफ और वहाँ पे जाके प्रोग्राम भी सुनने अभी करते हैं बिस्मिल्लाह। और ये ज़्यादा दूर नहीं है दरगाह से, ये बिल्कुल पास में ही है, मतलब 5 मिनट का रास्ता था। मैं तो चाहूं बस तेरी रजा आए जो दिन हशर का। और अभी अपने फिर से पहुंच चुके हैं यहाँ पे दरगाह वाली गली के अंदर और यहाँ पे एक अशोका ढाबा है और यहाँ से सबसे पहले चाय या कॉफी पीएंगे क्योंकि खाना खाने के बाद में और अपने को फिर कई देर सोना भी नहीं है तो फिर चाय पानी पीना तो बनता ही है। तो बस अभी अपने चाय पानी पी के और उसके बाद फिर आगे एक प्रोग्राम बनाएंगे। और अभी टाइम है वो 11:14 हो चुके हैं और अभी ये अशोका ढाबा ही बंद हो चुका है तो फिर अभी अपने जा रहे हैं मिलाद शरीफ की तरफ और रास्ते के अंदर देखते हैं कोई चाय वाला मिला तो वहाँ से चाय पी। और ये समाज फरमाए कब्र में जाके रोना पड़ेगा आके पर तुम को सोना पड़ेगा कब्र में जाके रोना पड़ेगा आके पर तुम को सोना पड़ेगा कब्र जाके रोना पड़ेगा आके पर तुम को सोना पड़ेगा
मौत से पहले खुद को संभालो, मौत से पहले खुद को संभालो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, नारे दो सालो जिंदगी का। हम इस नेमत का चर्चा करें, चर्चा करें, चीख चीख कर बताएं, लोगों को बुला बुला कर बताएं, नबी के नाम पर लंगर खिला कर बताएं, लड्डू बांट कर बताएं। और अभी अपने यहाँ से चाय लेके पी रहे हैं, वहाँ पे चाय तकसीम कर रहे हैं और यहाँ पे अपने चाय पी रहे हैं और सामने प्रोग्राम देख रहे हैं। और आप लोग जानती हो, चाय है तो जान है और जान है तो जहान है। अभी का टाइम 12:26 का है और अभी बस के अंदर अपने फिर से आ चुके हैं, जैसे आप देख रहे हो सबसे लास्ट सीट अपनी थी। और अभी अपने सबकी वेट कर रहे हैं, जब सब आ जाएंगे तब ये बस रवाना होगी, फिर अपने घर पे पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह फिर जाके आराम से सो जाएंगे। अभी देखते हैं कि बस कितने बजे तक चलती है और अभी 12:26 हो चुके हैं, अप्रोक्स 1 जाएंगे यहाँ से चलते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला था कि 1 तक बस यहाँ से रवाना हो जाएगी और वैसे आप देख रहे हो 1 कम है 1 से और अभी बस यहाँ से रवाना हो चुकी है अलहमदिल्ला। और अभी मेरे को लगता है कि 3:30 तक अपने इंशाल्लाह घर पे पहुंच जाएंगे, बाकी देखते हैं कितने बजे घर पहुँचते हैं। और अभी मेरे को नींद आ रही है तो सबसे लास्ट सीट है और भाई और सामने सारे बैठे हैं और ये फोन यूज कर रहे हैं, बाकी अपने आराम से नींद पूरी करते हैं। और अभी टाइम है वो 3:14 का हो चुका है और जैसे आप देख रहे हो कि अभी दे रहा है और सारे सो रहे हैं, तो फिर मैंने लाइट ऑन नहीं की, बाकी आपको इंशाल्लाह कल सुबह मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज अगला दिन है और अभी वक्त शाम का है, जैसे आप देख रहे हो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत सा मौसम है। और अभी बस मैं व्लॉग की एडिटिंग कर रहा था और आज का व्लॉग मेरे को बस मतलब काफ़ी दिन के बाद में मैं बना रहा हूँ, तो थोड़ा मतलब पूरा एक्चुअली जैसे बनाना चाहता था वैसे नहीं बना, फिर भी मैंने कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा, इसको शेयर करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपको मिलता है अगले व्लॉग के अंदर, खुश रहिएगा, ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय।